पहले हमने देखा था कि इस बुक की पैरेलल स्टोरी का मुख्य किरदार काफ्का सकुरा के यहाँ से निकलकर कोमुरा लाइब्रेरी चला जाता है। अगले दिन दोपहर के 12 बज चुके हैं, काफ्का लाइब्रेरी के गार्डन में बैठकर लंच कर रहा है। ये वही सस्ता लंच है जो वो स्टेशन के पास वाली दुकान से लाता है। तभी वहाँ उशिमा उसके पास आकर बैठ जाता है और अपने टिफिन में से उसे सैंडविच ऑफर करता है। वो काफ्का से कहता है कि वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाया था और वो उसे गलत ना समझे, मगर उसे काफ्का काफी कमजोर लग रहा है। जिस पर काफ्का कहता है कि वो अपनी भूख कम कर रहा है, उशिमा पूछता है कि क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है ताकि उसके पैसे बच जाएं। काफ्का बस सर हिला देता है। उशिमा उसे समझाता है कि इस उम्र में उसे खूब खाना चाहिए ताकि उसे पूरा न्यूट्रिशन मिले। काफ्का वो सैंडविच लेकर खाना शुरू कर देता है। वो दोनों मैत्सुमे सोसेकी के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ काफ्का और उशिमा उन्हें सोसेकी कहकर बुलाते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली जापान में नाम सरनेम के बाद लिखा जाता है। काफ्का की हाल ही की पढ़ी हुई किताब द माइनर के बारे में बातचीत करते समय वो अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा होता है और वो क्रो का इंतजार करता है ताकि ऑथर के प्रति अपने विचारों को सही तरह से उशिमा के सामने रख पाए। तभी क्रो आकर उसकी मदद करता है। फिर द माइनर के बारे में काफ्का बताना शुरू करता है कि उस कहानी का मुख्य किरदार एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखता है, मगर उसका एक अफेयर बिगड़ जाने के बाद वो डिप्रेस्ड हो जाता है और घर से भाग जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक धुंधले से किरदार से होती है जो कि उसे माइन में काम करने का ऑफर देता है और फिर वो उस माइन में, जिसका नाम आशियो माइन होता है, में काम करना शुरू कर देता है। वो पूरे समय अंडरग्राउंड काम करता है और नए नए तरीके के अनुभवों से गुजरता है जिन्हें उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये लाइफ और डेथ टाइप एक्सपीरियंस थे जो वो माइंस में झेल रहा था। इवेंचुअली वो उससे बाहर आता है और फिर वापस उस जिंदगी में चला जाता है। काफ्का इस बात को काफी अजीब मानता है कि उस नॉवल में ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो लड़का अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है या फिर उसे जिंदगी का कोई मीनिंग मिला हो। ना ही ऐसा कुछ बताया है कि वो अब मैच्योर हो गया हो। और इस नॉवल को पढ़ने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आती है। उशिमा उससे पूछता है, द माइनर सोसेकी की सेंचुरी से काफी अलग है, राइट? काफ्का कहता है कि उसे नहीं पता, मगर हो सकता है कि वो ठीक कह रहा हो। सेंशीरो की कहानी में वो काफी मुश्किलों से लड़ता है, उन्हें झेलता है और उनसे उबर जाता है, मगर द माइनर का हीरो काफी अलग है। वो बस चीजों को होते हुए देखता है और उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि वो बीच बीच में अपने ओपिनियन जरूर देता है, मगर वो बहुत गहरे नहीं होते, बल्कि वो अपने लव अफेयर के इर्द गिर्द की बातें करता है। वो माइंड से बिल्कुल वैसे ही बाहर आ जाता है जैसे कि वो गया था। उसे इस बात का कोई सेंस नहीं है कि ये सब उसकी खुद की च्वाइस थी और उसके पास कोई और ऑप्शन भी है। वो पूरी तरह पैसिव है। काफ्का आगे कहता है कि मगर उसे लगता है असल जिंदगी में सारी दुनिया ही ऐसी है, खुद के लिए फैसले लेना इतना आसान नहीं होता है। उशिमा उससे पूछता है कि क्या वो खुद को द माइनर के हीरो की तरह देखता है। काफ्का नाम ही सर हिलाते हुए कहता है कि उसने कभी इस तरीके से नहीं सोचा। उशिमा बोलता है कि लोगों को किसी न किसी चीज से अटैच होना ही पड़ता है और काफ्का भी है, मगर बस वो इसे रियलाइज नहीं करता है। इतना खुल जाने के बाद काफ्का महसूस करता है कि वो उशिमा पर ट्रस्ट कर सकता है और उसको अपनी कंडीशन बता सकता है। तो वो उशिमा से कहता है कि वो एक सिचुएशन में फंस गया है और उसके पास सिर्फ उशिमा ही है जो उसे एडवाइस दे सकता है। उशिमा उसे आगे बोलने का इशारा करता है। काफ्का कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मगर आज रात उसके पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उसके पास स्लीपिंग बैग भी है तो उसके बिस्तर की भी जरूरत नहीं है। क्या उशिमा को कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ वो रुक सकता हो? उशिमा उससे कहता है कि वो किसी होटल में नहीं रुकने की सोच रहा है, राइट? काफ्का हाँ में सर हिलाकर कहता है कि पैसे भी एक मुद्दा है, मगर उसे किसी भी तरीके का कोई शक पैदा करने से भी बचना है। थोड़ी देर सोचने के बाद उशिमा कहता है कि वो यहाँ रुक सकता है। काफ्का पूछता है कि लाइब्रेरी में? उशिमा उसे बताता है कि यहाँ एक कमरा है और उसे कोई यूज नहीं करता है। काफ्का पूछता है कि क्या ये ठीक होगा? उशिमा कहता है कि ऑफ कोर्स, मगर उससे पहले उसे कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, मगर ये सब कुछ पॉसिबल है और वो मैनेज कर लेगा। काफ्का पूछता है कि ये कैसे संभव है? उशिमा कहता है कि क्योंकि काफ्का को किताबें पढ़नी पसंद है और वो खुद से चीजें करना जानता है और वो फिजिकली भी अच्छे शेप में है, एक इंडिपेंडेंट लड़का है, तो वो मिस साकी से बात करेगा कि काफ्का को उसका असिस्टेंट बनने दे और यहाँ के खाली रूम में रुकने दे। काफ्का पूछता है कि क्या वो उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है? उशिमा उससे कहता है कि उसे बहुत कुछ नहीं करना होगा, बस इस लाइब्रेरी को खोलने और बंद करने में उसकी मदद करनी होगी।
वो भारी भरकम सफाई के लिए या फिर कंप्यूटर में चीजें इनपुट कराने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और उसे कुछ खास नहीं करना होगा, प्लस वो यहाँ जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकता है। और वो काफ्का से पूछता है कि क्या उसे ये सुनकर अच्छा लगा। काफ्का कहता है ऑफ कोर्स ये अच्छा है, मगर उसे लगता है कि मिस साकी इसके लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का घर से भागा हुआ एक लड़का है और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। ओशिमा उससे कहता है कि मिस साकी थोड़ी अलग है, वो चीजों को और लोगों की अपेक्षा अलग तरीके से देखती है। काफ्का पूछता है कि इससे उसका क्या मतलब है, क्या वो ये कहना चाह रहा है कि वो एक अनयूजुअल इंसान है। ओशिमा बताता है कि उसका मतलब ये नहीं था, वो ओशिमा को अनयूजुअल कह सकता है मगर मिस साकी के साथ कुछ अलग है, वो चीजों को आम तरीके से नहीं करती है। ओशिमा उससे कहता है कि आज के लिए लाइब्रेरी में रुकना प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उसे कुछ दिनों के लिए एक अलग जगह पर रुकने के लिए ले जाएगा, तब तक की चीजें यहाँ सेट हो जाए। वो काफ्का से पूछता है क्योंकि वो जगह थोड़ी दूर है, उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। काफ्का कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओशिमा उससे कहता है कि लाइब्रेरी 5 बजे बंद होती है और वो 5:30 तक अपने सारे काम निपटा लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी से वहां ले जाएगा। वहां कोई नहीं रहता मगर वो परेशान ना हो, क्योंकि वहां उसे सर ढकने को छत मिल जाएगी। काफ्का उसका शुक्रिया अदा करता है तो ओशिमा उससे कहता है कि वो अभी से उसे धन्यवाद ना दे, क्योंकि शायद वो जगह ऐसी नहीं है जैसे उसने इमेजिन की। फिर काफ्का वापस रीडिंग रूम में जाकर अपनी बुक को कंटिन्यू करता है। घड़ी में 5:30 बजने पर वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर ओशिमा का वेट करता है और फिर वो दोनों ओशिमा की कार में बैठकर चले जाते हैं। ओशिमा उसे बताता है क्योंकि एक लंबा रास्ता है तो वो लोग रास्ते में डिनर के लिए रुकेंगे। काफ्का पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओशिमा बताता है कि वो कोची जा रहे हैं और वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 2.5 घंटा लगेगा, जो कि साउथ में माउंटेन्स के ऊपर है। काफ्का ओशिमा से पूछता है कि कहीं उसे इतनी दूर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओशिमा कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये एक सीधा साधा रास्ता है और बाहर अभी उजाला है, प्लस उसकी गाड़ी में पेट्रोल फुल टैंक है। फिर वो उस कार के बारे में बात करते हैं, तभी ओशिमा बताता है कि उसे डॉक्टर्स ने कोई भी स्पोर्ट चुनने से मना किया था, तो वो उसके बदले ड्राइविंग कर लेता है। काफ्का पूछता है कि उसे क्या हुआ है। ओशिमा बताता है कि उसे एक तरीके का हेमियोफीलिया है। वो काफ्का से पूछता है कि क्या उसने इस बीमारी का नाम सुना है। काफ्का कहता है कि उसने अपनी बायोलॉजी क्लास में शायद इसका नाम सुना था। इसमें अगर आपके शरीर में एक बार ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर वो रुकती नहीं है। ये एक तरीके की जेनेटिक डिजीज है जिसमें खून के थक्के नहीं जम पाते हैं। ओशिमा कहता है कि वो ठीक कह रहा है और कई तरीके के हेमोफीलिया होते हैं, मगर जो उसे है वो रेयर डिजीज माना जाता है। ये इतनी बुरी नहीं है, मगर उसे ध्यान रखना होता है कि उसे कोई इंजरी ना हो जाए, और एक बार अगर उसे ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और आजकल के हॉस्पिटल्स में खून की काफी कमी होती है, तो उसने अपने शहर में कई कॉन्टैक्ट्स बना रखे हैं जो जरूरत के समय उसे सेफ ब्लड दे सके। अपनी बीमारी की वजह से वो लंबी यात्राएं नहीं करता है। रेगुलर चेकअप्स के लिए हिरोशिमा जाने के अलावा वो शायद ही शहर से बाहर जाता हो। वो कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसे ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स उतने पसंद नहीं है। वो किचन में चाकू यूज नहीं कर सकता, तो वो असल कुकिंग भी नहीं कर पाता है, जो कि एक शर्मनाक बात है। वो दोनों फिर ओशिमा की बीमारी और उसके ड्राइविंग करने से होने वाले रिस्क के बारे में बात करते हैं और एक रेस्टोरेंट में रुककर डिनर करते हैं, जिसके बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर म्यूजिक के बारे में काफी देर तक बातें करते हैं। ओशिमा उसे बताता है कि वो जिस जगह जा रहे हैं वो कहीं पहाड़ों में काफी अंदर जाकर है और उसे वहां कोई नहीं मिलेगा, बस वहाँ कोई रेडियो, टीवी या फोन भी नहीं है, और वो उम्मीद करता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ्का कहता है कि हाँ, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस पर ओशिमा कमेंट करता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे अकेले रहने की आदत हो गई। काफ्का सर हिला देता है। ओशिमा आगे कहता है कि मगर अकेलापन अलग अलग वेराइटीज में आता है, आगे उसके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें इंतजार कर रही है। काफ्का पूछता है कि किस किस तरीके से। ओशिमा अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहता है कि वो कह नहीं सकता, हो सकता है ये बदल जाए, क्योंकि ये उस पर निर्भर करता है। फिर वो हाईवे से हटकर एक छोटी रोड पर आ जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था और वहीं एक स्टोर पर गाड़ी रोककर ओशिमा ने काफ्का के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करी और मोस्टली ऐसी चीजें खरीदी जिन्हें पकाने की जरूरत ना ही पड़ती हो। वापस कार में बैठकर वो उसी रोड पर चलने लगे और कस्बा खत्म होने के बाद वो पूरी तरह अंधेरे से घिर गए थे। उस संकरे और मुश्किल रास्ते पर ओशिमा बहुत कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाकर आगे बढ़ता है। काफ्का उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ आता रहता है,
ओशिमा कहता है कि हाँ वो पहले आता था मगर अब जॉब और दूसरे कामों की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाता है। उसका बड़ा भाई एक सर्फर है और वो कोची के तट पर रहता है। उसकी वहाँ शॉप है जिसमें वो सर्फ बोट्स बनाता है। वो काफ्का से पूछता है कि क्या वो सर्फिंग करता है। काफ्का कहता है कि उसने कभी ट्राई नहीं किया है। ओशिमा उसे बोलता है कि अगर उसे कभी मौका मिले तो वो उसके भाई से सीख सकता है। वो काफ़ी अच्छी सर्फिंग करता है और अगर वो उससे मिलेगा तो वो पाएगा कि उसका भाई बिल्कुल ओशिमा की तरह नहीं है। फिर घने जंगलों में घुसकर ओशिमा कार रोककर कुछ तारों के लॉक्स को खोलकर गाड़ी आगे ले जाता है और एक छोटी सी बिल्डिंग के आगे गाड़ी रोकता है। वो बिल्डिंग बेसिकली लकड़ी से बना एक कैबिन जैसा था। ओशिमा टॉर्च ऑन करके उसके अंदर जाता है और एक लैंप ऑन करता है। फिर वो काफ्का को अंदर आमंत्रित करता है। अंदर से वो कैबिन एक ओल्ड स्टोरी बुक की ड्राइंग जैसा लग रहा था। काफ्का उस कैबिन के अंदर जाता है तो वो पाता है कि वहाँ एक बड़ा सिंगल रूम है। कॉर्नर में एक बेड पड़ा है, एक डाइनिंग टेबल और दो चेयर, एक सोफा और एक पुराना रग पड़ा हुआ है। वहाँ एक बुक शेल्फ भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वहाँ कपड़े रखने के लिए एक पुराना सा चेस्ट भी था। किचन में काम करने के लिए एक स्लैब थी, एक छोटा गैस स्टोव था और एक सिंक था जिसमें पानी का कोई सोर्स नहीं था, जिसके साथ वॉल पर बर्तन भी टंगे हुए थे। कमरे के बीचम बीच एक अंगीठी थी। ओशिमा बताता है कि उसके भाई ने यह कैबिन खुद से बनाया है। यहाँ कोई भी बिजली या पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है और मॉडर्निटी के नाम पर सिर्फ खाना पकाने के लिए प्रोपेन गैस है। फिर वो एक केतली में मिनरल वाटर डालकर उबलने रखता है। वो आगे बताता है कि ये माउंटेन उसके दादाजी का हुआ करता था। वो कोची के एक अमीर इंसान थे। 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और ओशिमा और उसके भाई को ये माउंटेन विरासत में मिला है। उनका कोई रिश्तेदार इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है और इस पहाड़ से उन्हें ज्यादा फायदा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप पेड़ों की कटाई के लिए यहाँ लोग हायर करते हैं तो उसके लिए काफी पैसे भी लगेंगे। ओशिमा उसे बताता है कि किस तरह जब वो यहाँ छोटा था तो आया करता था और फिर वो खुद के लिए और काफ्का के लिए कैमोमाइल चाय कप में पलटता है। अपनी घड़ी में देखकर वो काफ्का से कहता है कि अब उसे चलना चाहिए, तो वो जल्दी से उसे सब कुछ समझाता है। वो काफ्का को बताता है कि यहाँ एक पानी की धारा बहती है जिसको वो पीने के लिए काम में ले सकता है और वो पानी मिनरल बॉटल्स के पानी से भी बेहतर है। पीछे की तरफ लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई हैं तो अगर उसे ठंड लगे तो वो उन्हें जला सकता है। वो नॉर्मल खाना बनाने के लिए स्टोव यूज़ कर सकता है और वो चेस्ट में पड़े उसके भाई के कपड़े भी पहन सकता है क्योंकि उसका भाई इसको माइंड नहीं करेगा। वो काफ्का को वार्निंग देता है कि वो जंगल के भीतर जाने की कोशिश ना करे क्योंकि वो बहुत घना है और वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है। वहाँ बहुत आसानी से वो रास्ते भटक सकता है और फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। वो बताता है कि वो भी एक बार इसी तरह खो गया था। हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि जापान एक छोटा देश है तो जंगलों में ऐसे कैसे कोई खो सकता है, मगर वो उसकी बात पर विश्वास करे कि एक बार जंगल में खोने के बाद वो हमेशा के लिए खो जाएगा। वो आगे कहता है कि बिना किसी इमरजेंसी के काफ्का माउंटेन से नीचे ना जाए और वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ इंतजार करे, इसके बाद ओशिमा उसको यहाँ से लेने आ जाएगा और यहाँ उसके लिए भतीरा खाना मौजूद है। वो काफ्का से पूछता है कि क्या उसके पास कोई मोबाइल फोन है। काफ्का अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है हाँ उसके पास है। ओशिमा उससे कहता है कि उसे बैग में ही रखे क्योंकि वो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ रेडियो भी काम नहीं करेगा तो वो एक तरीके से दुनिया से कट गया है, बस वो यहाँ किताबें पढ़ सकता है। काफ्का ओशिमा से एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल करता है कि अगर यहाँ टॉयलेट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। ओशिमा अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहता है कि पूरा जंगल अब उसका है और सब कुछ उस पर निर्भर करता है।